समुदाय विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं उनके घर में गोली चलने की घटना पर भी पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। भाजपा नेता सत्येंद्र सिंह उर्फ गुड्डा ने समाज विशेष पर अभद्र टिप्पणी कर गाली गलौज की थी। इसका ऑडियो वायरल होने पर लोगों ने खासा आक्रोश था। दो दिन पूर्व सिविल लाइन थाने के सामने प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद पुलिस ने गुड्डा के खिलाफ धारा 153 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। वहीं उसके घर शुक्रवार शाम बाइक सवार दो युवकों ने फायरिंग की थी। दीवार में इसके निशान भी मिले हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे में दो युवक फायरिंग करते हुए कैद हुए हैं। पुलिस हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। आइए सुनते हैं भाजपा नेता सत्येंद्र पटेल उर्फ गुड्डा के खिलाफ शिकायत करने वाले ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष को, जिन्होंने एफआईआर के संबंध में जानकारी दी है। बताइए आज ये किस संबंध में एफआईआर दर्ज कराया? ये विगत दिनों जो फेसबुक में वीडियो वायरल हुआ था सत्येंद्र पटेल गुड्डा नामक व्यक्ति के द्वारा, जिनने ब्राह्मण समाज और छत्री समाज के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया था, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, साथ में विप्र सेना संघ और युवा छत्री वाहिनी, साथ में और भी कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर हम लोगों ने सिविल लाइन थाने में कल ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के संदर्भ में प्रशासन द्वारा कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर हम FIR की कायमी करेंगे। अभी FIR की कायमी यहाँ पर कर ली गई है और ये इसमें और भी जितने संगठन जिन्होंने यहाँ पे आवेदन दिया था, उन सभी को यहाँ पर उनका भी बयान दर्ज होगा। उनके बयान के अनुसार आगे की कार्रवाई थाना प्रभारी महोदय द्वारा की जाएगी, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है।